तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसडी कार्ड का डेटा है जो आप मेमोरी कार्ड के थे, तो इस मेमोरी कार्ड का डेटा आपको पीसी या लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर करें, और पीसी या लैपटॉप का डेटा है तो इस डेटा आपको मेमोरी कार्ड में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में, गाइस आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर दे। वीडियो स्टार्ट करने से गाइस, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको आ जाना है पीसी या लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो गाइस मैंने पीसी को ऑन कर दिया है और पीसी में हमने अभी तक कोई मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं किया है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप भी देख सकते हैं कि उसमें हमने कोई मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं किया है, तो चलिए मैं मेमोरी कार्ड लगा के आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस हमारा जो मेमोरी कार्ड है, तो इस मेमोरी कार्ड आपको इस तरह यूएसबी में लगा देना है, और लगाने के बाद आपको जो यूएसबी है तो इस यूएसबी आपको सीपीयू में लगा देना है। तो चलिए मैं सीपीयू में लगा के आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह सीपीयू है तो इस सीपीयू में आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर देना है। तो मैंने मेमोरी कार्ड सीपीयू में लगा दिया है, और लगाने के बाद आप भी देख सकते हैं कि हमारा मेमोरी कार्ड है तो इस मेमोरी कार्ड हमारा पीसी में शो हो रहा है। तो इस तरह आपको पीसी या लैपटॉप में मेमोरी कार्ड सबसे पहले गाइस आपको कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद चले मैं डेटा ट्रांसफर करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस हमारा जो मेमोरी कार्ड है, तो इस मेमोरी कार्ड को मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस मेमोरी कार्ड मैंने ओपन किया तो उसमें हमारा कई सारे जो सॉन्ग है, तो आप भी देख सकते हैं कि उसमें हमारा कई सारे जो डेटा है तो इस डेटा में ट्रांसफर करके आपको बता देता हूँ। तो उसमें हमारा कई सारे जो सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग जो मैं पीसी में ट्रांसफर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह आपको मेमोरी कार्ड है तो इस मेमोरी कार्ड आपको पीसी या लैपटॉप में सबसे पहले इंसर्ट कर देना है, आपको कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद चले मैं आगे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसे हमारा मेमोरी कार्ड सही से हमारा पीसी में कनेक्ट हो गया है, तो इस तरह आपको कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद चले मैं जिस हमारा जो सॉन्ग है तो इस सॉन्ग आपको पीसी में ट्रांसफर करना है, तो गाइस आपको इस सॉन्ग को सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड क्लिक करना है माउस से, और आपको कर देना है कॉपी। तो गाइस मैंने कॉपी कर दिया है एसडी कार्ड में जो सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग मैंने कॉपी कर दिया है, लेकिन आपको पीसी है तो इस पीसी में आपको ट्रांसफर करना है। तो चलिए मैं डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। तो गाइस मैंने न्यू फोल्डर बना दिया है, और इस फोल्डर में हमें जो ट्रांसफर करना है तो इस फोल्डर को आपको ओपन कर देना है। तो गाइस मैंने सॉन्ग का जो फोल्डर बनाया है तो इसको मैंने ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है, और आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस हमारा जो एसडी कार्ड का जो डेटा है, जो हमारा सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग हमारा कंप्यूटर में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, एसडी कार्ड का डेटा है तो इस डेटा आपको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए फिर से मैं इस फोल्डर को क्लोज करता हूँ, और फिर से मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस मैंने फोल्डर को क्लोज पे क्लिक कर दिया, और फिर से मैं इस फोल्डर को ओपन कर दिया है। तो हमारा एसडी कार्ड का जो सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग हमने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन गाइस आपको जो कंप्यूटर का डेटा है, तो इस डेटा को एसडी कार्ड में ट्रांसफर करना है तो इस तरह आप पिक कर सकते हो। तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा ऑल मिक्स का एक फोल्डर है डेस्कटॉप में, और उसमें हमारा जो वीडियो है, तो इस वीडियो में जो एसडी कार्ड में मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो इस तरह आपको सिलेक्ट कर देना है। तो आपको कंट्रोल टी को प्रेस करना है, आपको जितना वीडियो सिलेक्ट करना है इतना आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वीडियो को कॉपी कर देना है। तो गाइस मैंने कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद चलिए मैं जाता हूँ मेमोरी कार्ड में, क्योंकि हमने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करना है, तो इस तरह आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस मैंने मेमोरी कार्ड को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद चलिए मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। तो आपको राइट साइड क्लिक करना है, और आपको न्यू फोल्डर आपको बना सकते हो। तो मैंने मेमोरी कार्ड में एक न्यू फोल्डर बना दिया है मिक्स वीडियो का। तो आप भी देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया है मिक्स वीडियो का, तो उसमें हमारा कोई डेटा अभी तक नहीं है। तो चलिए इस आपको जो फोल्डर बनाए, तो इस फोल्डर को गाइस आपको ओपन कर देना है। तो गाइस मैंने मिक्स वीडियो का जो फोल्डर है, तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको फिर से माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो गाइस हमारा जो पीसी का जो हमारा कंप्यूटर का डेटा है, तो इस डेटा हमारा जो मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर हो रहा है।
तो इस तरह आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपको जितनी फाइल आपको जितना ज़्यादा है इतना आपको टाइम उसमें लग सकता है। तो हमारा जो डेटा है, तो गाइस इस डेटा हमारा जो मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरह आपको पीसी का डेटा मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करना है तो गाइस आपको आसान तरीके ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको मेमोरी कार्ड का डेटा है तो इस डेटा आपको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस जो सभी प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।